So, hey guys, welcome back to our channel. और आज एक बार फिर से हम पोकेमॉन एमराल्ड की अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने लगभग सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को कलेक्ट कर लिया था, बस कुछ ही बचे हैं जैसे कि होहो और लुगिया और उसके बाद में रेजिट्रियोस। तो गाइस आज हम जाने वाले हैं होहो लुगिया की तलाश में, और हमेशा की तरह हमें यहाँ पर एक चीट कोड का इस्तेमाल करना पड़ा था एक मिस्ट्री टिकट को लेने के लिए, मिस्टिक टिकट या जो भी कुछ हो। तो हम उसी की मदद से यहाँ पर जाने वाले हैं एक नए आइलैंड में, जहाँ पर हमें मिलेंगे होहो और लुगिया। ओके, तो मैंने इन्हें पास दे दिया है और ये मुझे ले जाएंगे उस जगह पर जहाँ पर वो दोनों ही लेजेंडरी पोकेमॉन्स हमें मिलने वाले हैं। एंड गाइस, हमारी लेजेंडरी पोकेमॉन्स की हंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आज के बाद में एक और वीडियो आएगी जिसमें हम रेजिट्रियोस को पकड़ने वाले हैं, और उसके बाद में गाइस हम लड़ेंगे फाइनल चैंपियनशिप से। हमारी बैटल आई थिंक स्टीवन स्टोन से होने वाली है, तो हम उसे हरा कर गाइस इस गेम को फिनिश करेंगे। उसके बाद में गाइस हमारी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी, तो आज मज़ा आने वाला है गाइस। हम दोनों पोकेमॉन्स को पकड़ेंगे, देखते हैं होहो और लुगिया में कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ये गाइस सबसे ज़्यादा मुश्किल थे, मतलब मुझे इस बार सच में मुसीबत हुई थी, थोड़ा सा मुझे टाइम लगा इन्हें पकड़ने के लिए। तो आज हम जाने वाले हैं, मुझे सच में गाइस इन्हें ही पकड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, और मैं पिछली बार इस आइलैंड में आ चुका हूँ जहाँ तक मुझे याद है। तो गाइस मुझे यहाँ का रास्ता पता है, क्योंकि एक बार और मैं पोकेमॉन फायर रेड में यहाँ पर आया था, तो मुझे यहाँ का रास्ता याद है। ओके, मुझे यहाँ से जाना चाहिए सिंपली, और इजी पजल से, कोई पजल नहीं है, सीधा सीधा रास्ता है, बस तुम्हें आराम से निकलना है यहाँ से। और गाइस तुम सभी को पता है यार, लुगिया को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए उसे पकड़ने के लिए मेरे पास में एक स्ट्रेटजी है जिसका आज मैं यूज़ करने वाला हूँ। ओके, तो गाइस मैं सबसे पहले यहाँ पर सेव कर लेता हूँ अपने गेम को। ओके गाइस, तो मेरा गेम सेव हो चुका है यार, और तुम लोग भी कर ही लेना, क्योंकि बहुत सारी मुझे कमेंट्स आती है कि भाई हमारा पोकेमॉन फेंटेड हो गया है, हम क्या करें, उसे दोबारा कैसे लाएं। तो यार अगर गलती से तुम्हारा कोई लेजेंडरी पोकेमॉन फेंटेड होता है जिसे तुम पकड़ना चाहते हो, तो मुश्किल है वो तुम्हें दोबारा मिले, बहुत ही ज़्यादा इसके कम चांसेस है, लगभग तो इम्पॉसिबल ही है। तो गाइस ऐसा करने से पहले यार, उससे बैटल करने से पहले एक बार प्लीज़ सेव कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं भी हमेशा गाइस किसी भी पोकेमॉन को पकड़ने से पहले एक बार सेव कर लेता हूँ, जिससे यार मैं कई बार, मेरे से भी ऐसा होता है कि मैं भी कई बार पोकेमॉन को फेंटेड कर देता हूँ, पर मैं कोशिश करता हूँ यार वो पोकेमॉन फेंटेड ना हो। इसलिए मेरे हिसाब से किसी भी इंपॉर्टेंट चीज़ के पहले सेव करना सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए जाकर सेव कर ही लेना। और गाइस तुम लोग देख रहे हो यहाँ पर हमारे पास में लुगिया को हराने के लिए एक स्ट्रेटजी है। बेसिकली यार मैं उसे पैरालाइज करने वाला हूँ, क्योंकि अगर हमने इन्हें पैरालाइज कर दिया ना, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। ओ, इसने हाइड्रो पंप का यूज़ किया जो कि बीस्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। हमारा बीस्ट एक बार में फेंटेड हो गया, कोई बात नहीं, मैं अपने दूसरे पोकेमॉन का यूज़ करूँगा ड्रैगून का, क्योंकि काफ़ी अच्छा है इसके खिलाफ में, लुगिया के खिलाफ में ड्रैगून, तो मैं इसी का यूज़ करने वाला हूँ। और गाइस तुम लोग देखो आज मैं कौन सी स्ट्रेटजी का यूज़ करने वाला हूँ। वैसे तो यार मैंने सोचा था मैं लुगिया को पैरालाइज कर दूंगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उससे पहले उसने हमें हरा ही दिया, पर कोई बात नहीं, हम ड्रैगून से उसे हराने वाले हैं अपने। देखते हैं उसकी कितनी हेल्थ जाती है और हमने उसकी हेल्थ कितनी कम कर पाते हैं। मुझे उसे फेंटेड नहीं करना है, मुझे बेसिकली यार उसकी हेल्थ कम करनी है, और मुझे सच में यार इसमें थोड़ा सा टाइम लगा था। मैंने भी कई बार लुगिया को पकड़ने की कोशिश करी, मैंने कई बार उसे फेंटेड किया, कई बार वो मेरी पकड़ में नहीं आया, बहुत टाइम लग गया। बट गाइस फाइनली आसानी से मुझे एक स्ट्रेटजी मिली, और मुझे पता है कैसे करना है, इसे कैसे हराना है, और तुम भी कोशिश कर सकते हो उसे हराने के लिए। तुम्हें बेसिकली यार कई बार ट्राई करना पड़ सकता है, पर कोई बात नहीं, ट्राई करना और तुम जरूर यार इसे परफेक्टली पकड़ पाओगे। और आज देखो गाइस हम कितना टाइम लगने वाला है हमें, और ये बार बार रिकवर का यूज़ कर रहा है जिससे इसकी हेल्थ फुल हो रही है, पर कोई बात नहीं गाइस हम इसे हरा ही देंगे। मुझे इसकी कैसे भी करके थोड़ी हेल्थ कम करनी है, उसके बाद में मैं इस पर अल्ट्रा बॉल्स का यूज़ करूँगा। जैसे कि तुम लोग देख रहे हो मैं इसे हेडबट का ही यूज़ कर रहा हूँ इसके ऊपर, क्योंकि ये फ्लिंट हो जाता है हेडबट से, और ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी होता है, और पूरी हेल्थ भी नहीं जा रही, जो कि सबसे अच्छी बात है। तुम लोग देख रहे हो, ओके थोड़ी थोड़ी हेल्थ जा रही, पर कोई बात नहीं, हमें इतनी जानी चाहिए हमारे हिसाब से, इतनी परफेक्ट है यार। और मैं बहुत ही जल्दी रेजिट्रियो को हराने के लिए भी तुम्हें एक स्ट्रेटजी बता दूंगा कि उन्हें कैसे पकड़ें। ओके, तो हमारे यहाँ पर पीपी खत्म हो गई है, पर कोई बात नहीं, और वो बार बार रिकवर का यूज़ कर रहा है यार, तुम लोग देख रहे हो। चलो फिर भी देखते हैं यार ये कितने बार ऐसा करने वाला है। मैं ड्रैगन क्लॉ को भी यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। ड्रैगन क्लॉ भी लुगिया के खिलाफ में इंपॉर्टेंट है, और इसकी हेल्थ मतलब जाती है, और ज़्यादा भी नहीं जाती, बट जाती है और इफेक्ट भी होता है, इससे पकड़ने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाएंगे। देखते हैं कितने हम अटैक का यूज़ करने वाले हैं। और हाँ गाइस, तुम सभी की रिक्वेस्ट आ रही थी यार दूसरे गेम्स को भी खेलो और नए गेम्स को भी ट्राई करो, तो फाइनली गाइस हमारा न्यू चैनल रेडी हो चुका है ऑल गेमिंग के लिए।
हम उसमें गाइस फेस कैम के साथ में कुछ कमाल के गेम्स खेलने वाले हैं। सच में गाइस तुम सभी को मजा आएगा, बहुत सारे गेम्स खेलेंगे। तो जाकर यार सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वाले चैनल को, इस वीडियो के बाद में जाकर सब्सक्राइब जरूर करना। उसमें वहां पर गाइस हम फेस कैम के साथ में मजे करेंगे और मैं यार उसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के साथ में अपने मतलब सभी के साथ में दूसरे गेम्स को ट्राई करने वाले हूँ मल्टीप्लेयर में। तो सच में मज़ा आएगा, हमें कस्टम रूम्स बनाएंगे फ्री फायर और भी गेम्स में यार, हम माइनक्राफ्ट भी खेलेंगे उसमें और भी कमाल के गेम्स। तो जाकर उस वाले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और गाइस हम अपने चैनल के मेंबर्स के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, तो यार ज्वाइन करना भी मत भूलना हमारे चैनल को। और तुम लोग देख रहे हो मैं यहाँ पर लूगे के ऊपर बॉल्स का यूज़ कर रहा हूँ। ओके नाइस गाइस, बहुत ही जल्दी हो गया यार, मैंने सोचा नहीं था मैं ल्यूगे को इतनी जल्दी पकड़ने वाला हूँ, पर फाइनली ये बहुत इजी था, ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। मैंने उसे अपनी फायर स्पिन में फंसा लिया था जिससे वो पकड़ में आ ही गया। तो अब हम इसे एक अच्छा सा नाम देने वाले हैं, पर मैं क्या नाम दूँ गाइस इसे, रुक जाओ मैं सोचता हूँ। ओके मुझे ये देना चाहिए आई थिंक। ओके गाइस तो मैंने सोच लिया मुझे नाम क्या देना, मैं अर्चिन नाम दूंगा इसे। ओके गाइस तो अर्चिन, मतलब अगर तुमने सुना होगा ये अर्चिन कहीं तो सुना होगा, वाटर अर्चिन तो जरूर सुना होगा। तुम्हें नहीं पता हो तो वाटर अर्चिन का मीनिंग होता है कापा, पहले कापा हुआ करते थे। मुझे नहीं पता ये सब रियल है कि नहीं, बट कहा जाता है कापा थे, और भी ऐसी मूवीज भी हैं बहुत सारी कापा वाली, तो उन्हें वाटर अर्चिन कहते थे, इसलिए गाइस मैंने इसे नाम दिया। मुझे लगा बस मन में आया इसलिए मैंने इसे वाटर अर्चिन नाम दिया। वाटर भी ये वाटर वाला भी पोकेमोन है तो अर्चिन नाम देना कूल था, मुझे थोड़ा कूल लगा। और गाइस अब हम जाने वाले हैं हो की तलाश में, यहीं कहीं हो भी है, पिछले बार भी मैं गया था, आई थिंक वहीं होगा इस गेम में भी वो। ये नेवल रॉक है ना, यहीं पर हमें दोनों पोकेमोन मिलते हैं। ओके गाइस तो ये रहा, यहाँ भी मैं सेव कर लेता हूँ एक सेकेंड। ओके गाइस तो मेरा गेम सेव हो चुका है, मैं यहाँ पर अपने पोकेमोन को वापस रिवाइव करने वाला हूँ जो कि मेरे पोकेमोन फेंटेड हो गए थे, उन्हें रिवाइव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं देख लेता हूँ, ओके मेरे पास में एक मैक्स रिवाइव है, तो मैं यहाँ पर बीस्ट को ठीक करने वाला हूँ, क्योंकि अगर बीस्ट ने हो को पैरालाइज कर दिया ना, अगर गाइस सच में अगर बीस्ट ने हो को पैरालाइज कर दिया तो सबसे अच्छी बात होगी यार, सच में उसके चांसेस जीतने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो चलो देखते हैं यार आगे क्या होता है। और मैंने यहाँ पर अपने पोकेमोन्स की ऑलमोस्ट फुल ही हेल्थ कर दी है, हमारा बस ड्रैगून बचा है जिसकी हेल्थ मुझे फुल करनी है। ओके मेरे पास में आई थिंक एक हाइपर पोशन भी पड़ा ही होगा, मैं देख लेता हूँ एक बार, यही कहीं होना चाहिए। मैंने बहुत सारे, ओ ये रहा, मैंने बहुत सारे लेके रखे थे और अब हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस एक बार और होगी हमें ज़रूरत, उसके बाद में हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ओके गाइस तो अब मैं जाने वाला हूँ हो का सामने करने। ओके ये रहा हो, क्या मस्त लग रहा है यार उड़ते हुए, और ये आ गया। और गाइस यहाँ पर हमारी फाइनली बैटल हो गई है हो से। वाह यार ये पोकेमोन मुझे सच में बहुत पसंद है, एक रेनबो पोकेमोन। मुझे यार इसकी स्टोरी और डीपली जाननी है यार, सच में बहुत डीपली स्टोरी जाननी है, कभी इसके बारे में और जानने को मिलेगा तो मज़ा आएगा यार, मतलब पूरी डिटेल्स यार, कभी इसे किसी ने पकड़ा है कि नहीं, आखिर बेल टावर की पूरी स्टोरी क्या है, ऐसी भी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो कि मज़ा आएगा। हमें पता है इनके बारे में बहुत कुछ, पर उतना कुछ नहीं जितना पता होना चाहिए। तो आई होप यार फ्यूचर में भी ऐसे कोई पोकेमोन्स आएंगे जिनकी हमें स्टोरी अच्छे से जानने को मिलेगी। और यार मतलब जो पुराने वाले लेजेंडरी पोकेमोन्स हैं ना, जैसे हो गए और ल्यूगिया और रेक्वाजा, ये सभी यार मतलब एक अलग लेवल के हैं। इन सभी के मतलब इन सभी को कहीं एक तरीके से भगवान माना जाता है पूरे पोकेमोन वर्ल्ड का, ये गॉड है। तो यार फ्यूचर में आई होप कि कोई ऐसे पोकेमोन आए जो कि एंशियंट हो और जिनकी स्टोरी काफ़ी कमाल की हो। एनीवेज यहाँ पर हम बीस्ट की मदद से इसे पैरालाइज करने वाले हैं और इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ। ओके गाइस तो हमने फाइनली हो को पैरालाइज कर दिया था और हमारा बीस्ट फेंटेड हो चुका है इसके अटैक से, पर कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो ड्रैगून काफ़ी अच्छे तरीके से इसका सामना कर रहा है। और आई थिंक गाइस अब हम इसे पकड़ सकते हैं क्योंकि ये पैरालाइज हो गया है, और तुम्हें पता है पैरालाइज हो जाने से पोकेमोन को पकड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, स्पेशली हो और ल्यूगा को पकड़ने के चांसेस सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं अल्ट्रा बॉल्स का यूज़ करने वाला हूँ, देखते हैं। ओके तो यहाँ पर अभी तो ये पकड़ में नहीं आया, पर कोई बात नहीं, हम कोशिश करते रहेंगे, हार तो नहीं मानने वाले। मैं एक और अल्ट्रा बॉल का यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि गाइस अभी ये पैरालाइज है यार, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, सबसे ज़्यादा हाई चांस है। ओके तो इतनी आसानी से तो ये नहीं आने वाला है, सच में थोड़ा टफ है, पर कोई बात नहीं, फिर से हम ट्राई करेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। ओके तो आई होप गाइस, आई होप, देखते हैं। नाइस फाइनली गाइस तो यहाँ पर हमने हो को पकड़ ही लिया,
वाओ, बहुत ही कमाल के तरीके से, जैसा कि मुझे लगा था पैरालाइज होने के बाद में पकड़ने के चांसेस हाई रहते हैं। तो गाइस कोशिश करना यार, तुम भी पैरालाइज कर दो, या तो इन्हें पॉइजन कर दो, या तो कुछ भी चीज़ करो, पर ऐसा कुछ करना जिससे इनका अटैक रुक जाए और ये स्लीप हो जाए, तो इससे फ़ायदा ही होगा। और मैं गाइस इसका नाम देने वाला हूँ कलर। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे अजीब नाम आ रहे हैं, पर मैं इसे कलर नाम देने वाला हूँ। पता नहीं मुझे ऐसे नाम क्यों आते हैं अजीब अजीब तरह के, पर कोई बात नहीं गाइस। तो मैंने यार आज दोनों पोकेमोन को पकड़ ही लिया। मैंने सोचा नहीं था मुझे इतनी आसानी होने वाली है, पर थैंक गॉड। और यहाँ पर मेरे पास में यार एस्केप रोप भी नहीं है। कोई बात नहीं, हम पैदल भी जा सकते हैं यार, हम निकल जाएंगे, कोई बात नहीं। हम पैदल की यात्रा करने में अच्छे हैं, हमने काफ़ी टाइम से बहुत घूमा है, पूरा एडवेंचर किया है। तो मैं ऑब्वियसली गाइस जस्ट इमेजिन करो, अगर हम रियल लाइफ में होते क्या हम पूरे एडवेंचर को पैदल करते? यार मैं तो थोड़ा सा चलने के बाद मैं थक जाता हूँ, क्या हम इतनी जर्नी पैदल कर पाते? ओके, तुम बताना ये चीज़ मुझे कमेंट्स में, क्या तुम जर्नी को पूरे पैदल करते हैं या तो बाइक से करते हैं, बताना जरूर मुझे कमेंट्स में। और गाइस इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो यार, लाइक कर ही देना यार, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो भाई कुछ भी करो, बस उस लाइक के बटन को दबा दो यार, एकदम फ्री है। और सब्सक्राइब कर लो जिसने भी अभी तक नहीं किया है, तो हमारी जर्नी में जुड़ने के लिए हम यहाँ पर बहुत सारे एडवेंचर करने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। और हाँ, मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, क्योंकि वहाँ पर हम बहुत सारे गेम्स खेलेंगे। याद रखना गाइस, हमारा न्यू चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके सब्सक्राइब करो, वहाँ मैं तुम सभी के साथ में बहुत सारे गेम्स को एंजॉय करने वाला हूँ, तो जाना सब्सक्राइब करना। सो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।